एक्सरसाइज 3.4 का 7th क्वेश्चन करते हैं. ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल. द डायगनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ओ ए इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एंड ओ सी इक्वल्स टू 2x माइनस 1. यहाँ पे हमें ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है. वैसे तो ये क्वेश्चन विदाउट फिगर भी हो सकता है, बट मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझाना आसान हो जाए. मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, देन उसके बाद डायगनल की बात हुई है. हम ए से सी जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये डायगनल कहलाती है, और बी से डी ड्रॉ किया ये हमारी डायगनल हो गई. अब जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना पॉइंट, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये दोनों डायगनल्स, इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसको हमने नाम दिया है ओ. अब हमें दे क्या रखा है, हमें ए ओ दे रखा है, ये वाली साइड दे रखी है और ओ सी दे रखी है. मैंने आपको बताया है कि डायगनल जो है बाइसेक्ट करती है रेक्टेंगल की, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे. अभी मैंने आपको क्या बताया है कि रेक्टेंगल की डायगनल जो है बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लगाएंगे देयर फोर का साइन. हम ये लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल्स टू ओ सी. ओ ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एक्स प्लस टू, तो ओ ए के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू. अभी हम देखेंगे कि ओ सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2x माइनस 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 1. अब हम इसको सोल्व करेंगे. जो हमारी x वाली टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, तो 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे. x हमारा प्लस का है, 2x जब लेफ्ट हैंड साइड आए तो ये माइनस का 2x है. और कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड रखते हैं, तो 2 को लेके जाएंगे हम राइट हैंड साइड. ये 2 देखो यहाँ प्लस का था, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा. वहाँ ऑलरेडी माइनस का 1 है और 2 भी माइनस का हो गया. एक्स हमारा पॉजिटिव है, 2x हमारा नेगेटिव है, हमारे पास क्या बचेगा, नेगेटिव एक्स. दैट इज़ इक्वल टू, ये दोनों ही नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आएगा और ये आपस में ऐड हो जाएंगे. अब आपको पता ही है ये नेगेटिव से नेगेटिव साइन हम लोग कट कर सकते हैं. इस तरह से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3. नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन करते हैं. ये जो फिगर हमें दे रखी है ए बी सी डी एक रोम्बस है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई माइनस एक्स. मीन्स पहले हम वाई और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फिगर में आपको दिख रहा है वाई यहाँ पे है. रोम्बस की डायगनल के बारे में एक बात कही जाती है कि डायगनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. जो वाई है ये देखो डायगनल के बाइसेक्ट करने से, बी डी लाइन जब ए सी से बाइसेक्ट करती है तो हमारा वाई एंगल बन रहा है. तो ये वाई जो है डायगनल के बाइसेक्ट करने से बना हुआ है, इसलिए वाई एंगल हमारे पास कितने का आ जाता है, 90 डिग्री का. ऊपर मैंने रीज़न लिख दिया, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री. अभी हमें फाइंड आउट करना है एक्स एंगल. एक्स एंगल को फाइंड आउट करने का कोई सॉल्यूशन हमें सोचना पड़ेगा. देखो यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका कोई ना कोई रिलेशन होगा इसके साथ. देखो अगर ये मैंने ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की, आपको पता है ना रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, तो हमें ये पता है कि डी सी लाइन पैरेलल है ए बी के. पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन जब जेड लाइक फिगर बनाती है तो आपको क्या पता है कि ये वाला एंगल इक्वल होता है इस वाले एंगल के. मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंस डी सी पैरेलल टू ए बी एंड ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन. अच्छा अभी हम इस एंगल का नाम बनाएंगे जो सी से सी पे बन रहा है, इसका नाम मैंने ओ से रखा है, ओ सी डी. इस एंगल का नाम क्या है, ओ सी डी इक्वल्स टू 40 डिग्री. अभी मैं फिगर क्लीन कर लेती हूँ. मुझे इस एंगल के बारे में पता चल गया है कि ये है 40 डिग्री, और इस एंगल के बारे में ऑलरेडी पता है डायगनल के बाइसेक्ट होने से बनता है, तो ये है 90 डिग्री. अभी हम कौन से ट्राइंगल में काम करेंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल में काम करेंगे और एक्स को निकालेंगे. यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल डी ओ सी. डी ओ सी में काम कर रही हैं बाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल्स का साइन बनाया मैंने सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. आप आगे लिखना चाहें तो आगे लिख लीजिए. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड किया जाए, एक्स प्लस
एक है 90 डिग्री का जो डायगोनल के इंटरसेप्ट करने से बन रहा है, एक है 40 डिग्री का जो अभी हमने निकाला था। अच्छा, ये जो 40 डिग्री का निकाला था ना, मैंने इसके साइड में रीज़न नहीं दिया, यहाँ रीज़न ज़रूर देना होता है आप लोगों को। ये था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से। जेड लाइक फिगर जब बनती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, मैंने आपको कई बार बताया। अभी हम आगे काम करते हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल को मैंने ऐड किया तो कितना होता है, 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। एक्स प्लस 90 डिग्री और 40 डिग्री को ऐड करेंगे तो 130 डिग्री आया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इस 130 डिग्री की हम लोग ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। ये देखो इधर प्लस हो रहा था तो उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। इस तरह से एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, 50 डिग्री। नाउ मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। अभी हम अपना नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। अ रेगुलर पेंटागन ए बी सी डी ई एंड अ स्क्वायर ए बी एफ जी आर फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए बी। एक रेगुलर पेंटागन है जिसका नाम हमें दिया हो ए बी सी डी ई, और उसी की जो ए बी साइड है ना उसके साथ में एक स्क्वायर बनाया गया है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी सी एफ। ये क्वेश्चन आपको ना फिगर देखने के बाद में ज़्यादा समझ में आएगा, मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने ये जो पेंटागन है ना उल्टा ड्रॉ किया है ताकि हम ऊपर वाली साइड एक और फिगर बना सकें, इसी के टच में एक स्क्वायर बनाना है ना। अच्छा, नेम और रख लेते हैं, इसका नाम है ए बी सी डी ई, और ए बी साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, और स्क्वायर का नाम क्या है, ए बी जी एफ। ए बी नाम तो लिखा हुआ है, बी के तुरंत बाद हमारे पास एफ और फिर हम जी लिखेंगे। क्वेश्चन में हमें बताना था एंगल बी सी एफ। देखो मैंने फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की है, अच्छा ये अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रही थी, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये एंगल हमें बताना है। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए देखो हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे, ये जो बाहर ट्रायंगल बन रहा है ना इसमें, तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एंगल का नाम है एंगल सी बी एफ। सी बी एफ एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ये कंप्लीट एक रोटेशन बन रहा है, तो हम 360 डिग्री में से अगर पेंटागन का इंटीरियर एंगल और स्क्वायर का इंटीरियर एंगल माइनस कर दे तो एंगल सी बी एफ ये इक्वल होगा 360 डिग्री में से हम माइनस करेंगे इंटीरियर वन इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, वन इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन प्लस इसमें एक स्क्वायर का एंगल भी है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। 360 डिग्री माइनस पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है, या तो आपको याद होगा 108 डिग्री, वरना निकालने का मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। और स्क्वायर का इंटीरियर एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। यहाँ साइड में ही मैं रफ़ काम करके इंटीरियर एंगल निकालना सिखा देती हूँ। पेंटागन में साइड जिसको हम एन से डोनेट करते हैं कितनी होती है, 5। और इंटीरियर एंगल्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई साइड नंबर ऑफ साइड। तो हम 5 में से 2 माइनस करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से, देन डिवाइड करेंगे 5 से। 5 में से 2 माइनस किया तो 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 5। अभी मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले मैं रिड्यूस कर देती हूँ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 108 डिग्री। ओके, अभी हम आगे करते हैं। 360 डिग्री माइनस इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 108 और 90 डिग्री को ऐड करेंगे तो 198 डिग्री आ जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे 360 डिग्री में से तो हमारे पास क्या आएगा, 162 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल में काम करते हैं। इन ट्रायंगल बी सी एफ, यहाँ आप क्या देख रहे हो कि बी सी लाइन इक्वल है बी एफ के। क्यों, देखो पेंटागन एक रेगुलर फिगर होती है और स्क्वायर भी एक रेगुलर फिगर होती है, और पेंटागन की इस वाली साइड को यूज़ करके स्क्वायर बनाया गया, इट मीन्स ये सभी साइडें इक्वल है। तो मैंने क्या यूज़ किया कि बी सी इक्वल है बी एफ के,
तो हमारे पास जो एंगल है ये, इसका नाम मैं रख लेती हूँ एंगल वन और इसका रख लेती हूँ एंगल टू। अब मैं लिखूँगी कि एंगल वन इक्वल है एंगल टू के। एक ट्रायंगल जिसमें दो साइडें इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यही मैंने यूज़ किया है। हमने लास्ट पेज पे फाइंड आउट किया था ना एंगल सी बी एफ दैट इज़ इक्वल टू 162 डिग्री, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में हम यहाँ लिखेंगे बाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई यूजिंग एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल का साइन बना दिया है। अभी हम कौन से ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, बी सी एफ में। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस 162 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम यही होता है ना। अभी देखो हमने क्या प्रूव किया था कि एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, तो एंगल टू को मैं रिप्लेस कर देती हूँ एंगल वन से। एंगल वन आगे है ही एंगल वन, एंगल वन प्लस एंगल वन इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 162 डिग्री की मैंने ट्रांसपोजिंग की राइट हैंड साइड, ये प्लस का साइन है तो यहाँ इधर आके क्या करेगा, ये माइनस करेगा, यहाँ माइनस किया 162 डिग्री। ये दोनों ही एंगल वन ये ऐड हो जाएंगे, ये बनेंगे टू टाइम्स एंगल वन दैट इज़ इक्वल टू 180 में से 162 माइनस करोगे तो 18 डिग्री आप लोगों के पास आएगा। अभी इस टू की ट्रांसपोजिंग करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड, ये एंगल वन से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 18 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 डिग्री आंसर आ जाएगा। एंगल वन जिसको मैंने अज्यूम किया था, एंगल किसको अज्यूम किया था, बी सी एफ, और यही हमें निकालना था, ये कितने का आ गया, 9 डिग्री का।